हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। तो आज हम देखेंगे रीजनिंग चैप्टर नंबर 5, टाइप 3, 4 एंड 5 को। चैप्टर नंबर 5 देख सकते हैं क्या है, शब्द संरचना, वर्ड फॉर्मेशन। तो टाइप नंबर 3 में देख सकते हैं क्या होता है। टाइप नंबर 3 थ्योरी के थ्रू देखते हैं, विभिन्न अक्षरों की संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है जो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। मतलब कि कोई वर्ड दिया होगा, उसके ऐसे ही कुछ भी वर्ड दिया होगा, वो उल्टा करके किसी भी टाइप से दिया हो, उसके नीचे कुछ संख्याएं लिखी होंगी, नंबर्स लिखे होंगे, उन नंबर्सों को इस तरह व्यवस्थित करना है, इस टाइप से लगाना है कि कोई एक मीनिंग या फिर कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो देखते हैं इसी टाइप से, आप देख सकते हैं किस टाइप से। एग्जाम्पल नंबर 3 में नीचे दिए गए विभिन्न अक्षरों की संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए जिससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। देख सकते हैं ये कोई शब्द दिया हुआ है, इसके नीचे संख्याओं से कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। देख सकते हैं ऑप्शन में, हम इसका आंसर ऑप्शन के थ्रू करते हैं। देखो पहले लेना है 1 1 6 6, तो देख सकते हैं 1 पर जी है और 6 पर एम। एम तो मतलब कि पहला वर्ड एम या फिर जी में से ही होगा। फिर देख सकते हैं 3 3 है, एम ए ए। इस टाइप से हर एक ऑप्शन के मीनिंग लिख लेते हैं। देख सकते हैं 1 के पास 2 और 5 और 1। देख सकते हैं इसमें क्या बनेगा। पहले लास्ट वाले से ही देखते हैं, हमें पहले ऑप्शन के लास्ट वाले ऑप्शन से ही देखना ज़रूरी होता है क्योंकि ज़्यादातर लास्ट वाला ऑप्शन ही सही होता है। 6 3 1 1 में जी, 5 4 2, 5 4 2। देख सकते हैं मैग्नेट, मैग्नेट तो मैग्नेट हमारा एक वर्ड होगा, इसलिए मैग्नेट ही ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। इसी टाइप से आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। पहले हम इसी टाइप से हम टाइप नंबर वो सॉरी एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर में दिया हुआ है ETCKOP, ये कोई उसके नीचे नंबर दिए हुए हैं। मैंने बताया था कि पहले लास्ट ऑप्शन से चेक करते हैं। लास्ट ऑप्शन में देख सकते हैं 3 1 4 5। 3 में क्या है, CEKO। देख सकते हैं इस टाइप कोई भी वर्ड नहीं बन सकता, इसलिए हम देखते हैं सी। सी पर क्या है, POC। 4 पर KET, पॉकेट। देख सकते हैं पॉकेट हमारा एक वर्ड होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। इसी टाइप से देख लेते हैं ऑप्शन एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या है, IPELOC। 4 LOI, सेकेंड पर P। देख सकते हैं इस टाइप से कोई भी वर्ड नहीं होता, LOIP कुछ भी नहीं होता। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में, देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में E 4 4 पर क्या, सॉरी L E L। 5 पर O। देख सकते हैं इस टाइप से भी कोई नहीं होता, ELO। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी में गया, सेकंड पर PO। 4 पर L। 1 पर I। 6 C। 3 पर E। देख सकते हैं पुलिस, पुलिस हमारा एक वर्ड होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। इसी टाइप से देख सकते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या है, दिए गए शब्द में कुछ अक्षरों को अक्षर दिए जाते हैं, उन सभी अक्षरों को मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द या उससे अधिक शब्द बनाए जाते हैं। मतलब कि कोई भी शब्द दिया होगा, उनसे बोलेगा कि इस वाले अक्षर को ले लो, इस वाले अक्षर को ले लो, उन सब अक्षरों को मिलाकर कोई या तो एक शब्द बनेगा या फिर एक शब्द से अधिक बनेंगे। तो देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, टाइप नंबर 4 के एग्जाम्पल के थ्रू, यदि किसी शब्द एस्टेब्लिशमेंट के पहले, चौथे, आठवें, दसवें एवं 13वें अक्षर को मिलाकर एक शब्द
बनता है। यदि एक से अधिक शब्द बनेंगे तो पी उत्तर होगा, यदि एक शब्द हो तो उसका अंतिम शब्द क्या होगा। देख सकते हैं फर्स्ट, फर्स्ट पर क्या है ई, ई फिर फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पर ए, एट एट पर देख सकते हैं फोर्थ पर ए, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, एट पर एस, फिर है टेंथ नाइन टेंथ, टेंथ पर एम, और थर्टीन, थर्टीन पर क्या है टी, टी। अब देख सकते हैं इन वर्ड, इन वर्डों से कोई शब्द बनाना है, मतलब कि देख सकते हैं क्या उनसे एस ई एस टी ई ए एम स्टीम और एम ए टी ई एस, देख सकते हैं ऐसे दो ही वर्ड बन सकते हैं, तो हमारा आंसर पी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देख सकते हैं एग्जांपल नंबर, ये टाइप नंबर फाइव का एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड, सेकंड में क्या है संप्रेषण शब्द के प्रथम तीसरे सातवें और नौवें अक्षरों का कोई अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो तीसरा अक्षर क्या होगा। यदि ऐसा शब्द नहीं बन सकता तो उत्तर एक्स, यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो आपका उत्तर एम होगा। देख सकते हैं कौन कौन से वर्ड के लिए बोला है, फर्स्ट थर्ड सेवन्थ और नाइन्थ, फर्स्ट पर क्या है एस, फिर थर्ड पी, सेवन्थ फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ पर टी और नाइन्थ पर ओ। तो देख सकते हैं इन वर्डों से क्या बन सकता है, वो एक तो बन सकता है स्पोर्ट, स्टॉप, टॉप्स। तो देख सकते हैं एक से अधिक वर्ड बन सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एम। उसने देखो दिया भी है, यदि एक से अधिक शब्द बनाना संभव है तो अपना उत्तर एम दीजिए, एम। तो हमारा आंसर एम होगा। अब देख सकते हैं टाइप नंबर फाइव, टाइप नंबर फाइव में क्या है, कोई शब्द दिया होता है उसमें प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब कि कोई भी वर्ड दिया होगा उसमें उसको इस टाइप से व्यवस्थित करेंगे कि कोई भी अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है और कितने बनाए जा सकते हैं ये भी देखना है। तो देख सकते हैं टाइप नंबर फाइव में क्या दिया हुआ, अक्षर रेश से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी शब्द में कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देख सकते हैं क्या दिया हुआ, आर ए सी एस, कितने बनाए जा सकते हैं, तो कार्स सी ए आर एस कार्स, फिर आर ए आर ए सी एस, ए आर सी एस, देख सकते हैं तीन, तीन वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो और देख सकते हैं ये रहा एक टाइप नंबर फाइव, मिश्रित अक्षरों के समूह में ए ई आर टी डब्ल्यू को व्यवस्थित कर यदि एक अर्थपूर्ण शब्द बनाए तो उस शब्द के मध्य का अक्षर क्या होगा। देखो और अब आगे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देख सकते हैं इससे क्या बनेगा, डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर, वाटर के मध्य का शब्द टी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न शब्दों में से केवल एक अक्षर जोड़ देने पर प्रत्येक शब्द का अर्थ पूर्णतः बदल जाता है, वह कौन सा अक्षर होगा। देख सकते हमें पहले सारे वर्ड लगा के देखना है, टिंच ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा, रिंच ऐसा भी नहीं होगा, पिंच पिंच पियर पेयर फ्लेम, तो हमारा पी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास में तक रखते हैं, कल देखेंगे चैप्टर नंबर सिक्स। थैंक यू सो मच।